और स्केड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही हैं। तो जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो ये न्यायालय की तरफ से आया हुआ ये आदेश है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूंगा जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, बट हाँ इस बात पर हम लोग की आपत्ति जरूर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने की संभावनाएं खोली गई हैं, पहली बात तो जब अनुसूचित जाति की बात आती है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को स्केड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। शेड्यूल कास्ट का आधार कतई और कभी भी शैक्षणिक अव्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है। इसमें हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता, क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं, कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। तो ऐसे उदाहरण आज की तारीख में भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये उदाहरण है तो ये दर्शाते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये आपकी आर्थिक दृष्टि पर नहीं हो रहा या आप कितने कामयाब हो गए हैं अपने क्षेत्र में उसको लेकर नहीं हो रहा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। और शेड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही हैं। तो जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है और इसीलिए हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। भाई देखिए, मैं सरकार का हिस्सा हूं और मेरे पास सरकार के भीतर इन चर्चाओं को करने की गुंजाइश मुझे मिलती है। कोई अध्यादेश आएगा नहीं आएगा, इस पे कानून बनेगा नहीं बनेगा, जरूर मैं चाहता हूं, पर ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने की है क्योंकि मैं खुद आज की तारीख में सरकार का हिस्सा हूं, ये गठबंधन के भीतर ये बातें की जाए। हाँ,
अब इसके बाद आप कहाँ पे ये पैसे किससे भी लाना कॉन्स्टिट्यूशन पे। हाँ भाई देखिए, पुनर्विचार तो ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग किसी भी जजमेंट को लेकर पुनर्विचार के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो जो उससे सहमति नहीं रख सकती है, ये एक कानूनी अधिकार है हम लोग के पास, जिसका इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। ये कंसेंसस के बिना ये हो सकता है क्या? कोटा भी नहीं, कोटा की बात हो रही है, देखिए पहली बात तो ये दो विषय ऐसे हैं जिसको आप जोड़कर देख रहे हैं। मैं जातीय जनगणना का मैं पक्षधर हूं, पर मैं कतई जातीय जनगणना का पक्षधर इसलिए नहीं हूं कि उसके बाद रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के कंसेप्ट को लेकर आया जा सके। जातीय जनगणना का जहां तक बात रही है, इसकी जरूरत इसलिए हम लोग को है क्योंकि आज की भी तारीख में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कई ऐसी नीतियां हैं जो जाति के आधार पर ही बनाई जाती हैं, उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने को लेकर, ताकि उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, इस सोच के साथ इन नीतियों को बनाया जाता है। तो ऐसे में सरकार के पास जरूरी है कि उन जातियों के आंकड़े हो जिनके लिए वो नीतियों को बना रहे हैं, ताकि उसी के अनुपात में उस राशि को आवंटित किया जा सके। तो बहरहाल जहां मैं एक तरफ मैं इस बात का पक्षधर हूं कि सरकारों कई बार न्यायालय भी आंकड़े मांगते हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, वो आंकड़े जरूर सरकार के पास होने चाहिए। मैं उसको सार्वजनिक करने का मैं जरूर पक्षधर नहीं हूँ, बट हाँ सरकार की अपनी जानकारी के लिए इन आंकड़ों का होना जरूरी है। तेलंगाना सरकार ने इसको हायर कर लिया है सर, कोटा भी उन्होंने कहा है कांग्रेस में कि हम इसको तेलंगाना में लागू करेंगे। भाई बिल्कुल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से ये संभावनाएं खुली हैं, तो जरूर जो राज्य ऐसी सोच रखती है, बंटवारे की जो सोच रखती है, जो डिवाइड एंड रूल की सोच रखते हैं, वो सरकारें जरूर इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। पर मैं पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ, अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है जो उनको आगे लेकर जाती है, बट कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए वो बंटवारा करना चाहते हैं, और इसीलिए वो इस तरीके की सोच को बल देना चाहते हैं जो इस समाज में बंटवारा करे। आज की तारीख में मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, इस समाज का, इस वर्ग का, इस पूरी जमात का, अनुसूचित जाति जमात का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है, और ये अनटचेबिलिटी में किसी तरीके के क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।